सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं लिली टप क्रीम्स के बारे में। लिली टप क्रीम्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन अलग है और ये किस प्रकार काम करता है, उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं, तो लिली टप क्रीम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं लिली टप क्रीम, जो कि हमारे पास 30 ग्राम का ट्यूब है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 385 यानी कि 385 रुपए करीब इसकी एमआरपी है। लिली टप क्रीम्स को एल्कम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नॉनसेंस कंपनी है और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। लिली टप क्रीम्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से ल्यूलिकोनाजोल 1% क्रीम्स। लिली टप क्रीम्स का यूज के बारे में बात की तो इसका यूज तवसा में फंगल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है, यानी कि सरल भाषा में बताए तो अगर आपके बॉडी की कोई भी पार्ट में आपको इचिंग्स हो रही है, खुजली हो रही है या फिर पसीने की वजह से आपके जांघों के नीचे आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है, यानी कि लिली टप क्रीम्स को यूज़ करने से बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपके बॉडी के कोई भी पार्ट में कुछ रशेस या रेंगवर्म या सूखी पपड़ीदार तवसा हो गई है या फिर कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपके पसीने की वजह से आपके जांघों के नीचे कुछ दाद दर्द हो गए हैं तो इसको यूज़ करने से वो ठीक हो सकता है, यानी कि इसको यूज़ करने से जो भी फंगल इन्फेक्शन हुआ रहेगा वो ठीक हो जाएगा। लिली टप क्रीम्स को यूज़ करने का तरीका बताए तो लिली टप क्रीम्स को आप अपने अफेक्टेड एरिया पर, यानी कि आपके जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया पर आप लगा सकते हैं, यानी कि इसको को यूज़ करने के पहले कुछ मेडिकेटेड साबुन से धोए बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सुबह नहाने के बाद अपने अफेक्टेड एरिया पर और रात को सोते वक्त जो भी अपना अफेक्टेड एरिया उसको धो के लिली टप क्रीम्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिली टप क्रीम्स किस प्रकार काम करता है, लिली टप क्रीम्स के अंदर जो दवा रहती है यानी कि ल्यूलिकोनाजोल वो एक एंटी फंगल दवा है जो तवसम के इन्फेक्शन का इलाज करती है। ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले कवक को उनकी कोशिका झिल्ली को नष्ट करके मारता है। यह तवसा पर होने वाली खुजली और जलन से राहत देता है। लिली टप क्रीम्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी केमिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको ये न मिले तो इसके अल्टरनेटिव ब्रांड की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि मार्केट में आता है लुलीब्रूट क्रीम्स, लुलीजोल क्रीम्स, LZHS क्रीम्स, लुलिकेन क्रीम्स और या फिर लुलिपिन क्रीम्स, तो ये ले सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। आपको ये न मिले तो इसका मॉलिक्यूल्स होता है ल्यूलिकोनाजोल 1% क्रीम्स, तो वो ले सकते हैं जो कि आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में आसानी से मिल जाएगा और कहीं पर भी अवेलेबल रहता है। लिली टप क्रीम्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या फिर अपने कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस क्रीम का इस्तेमाल करें। अपने मन से लिली टप क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो लिली टप क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट हो हमारी कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। लिली टप क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था। कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।